बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर नक्सली मुठभेड़ हुई है। गढ़चिरौली और कांकेर बॉर्डर पर नक्सली मुठभेड़ की खबर मिल रही है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर नक्सली मुठभेड़ हुई है और ये मुठभेड़ गढ़चिरौली और खबर ये है कि कांकेर बॉर्डर पर हुई है। गढ़चिरौली और कांकेर बॉर्डर पर मुठभेड़ में घायल जवानों को अस्पताल लाया गया है। जवानों को रायपुर रेफर किया जाएगा। दो जवान घायल हुए हैं। गढ़चिरौली के छिंद भट्टी के जंगल में मुठभेड़ की खबर है। तो नक्सली मुठभेड़ हुई है, जवान और नक्सली आमने सामने। मुठभेड़ में दो जवानों के घायल होने की सूचना है। तुरंत इन्हें हेलीकॉप्टर के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया और खबर यह है कि अब इन्हें रायपुर भी लाया जाएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस की मदद से घायल जवानों को एयर एम्बुलेंस के माध्यम से लाया गया। घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा और हेलीकॉप्टर भी तैनात किया गया, उचित इलाज के लिए रायपुर रेफर किया जाए। गढ़चिरौली के छिंद भट्टी के जंगल में ये मुठभेड़ अभी भी हो रही है, खबर ये भी है। तामेश्वर सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं जरा जानकारी के लिए। तामेश्वर बताइए, क्या अपडेट है? दो जवान घायल हुए हैं, उनकी स्थिति कैसी है और मुठभेड़ को लेकर क्या खबर है? देखिए विवेक, ये पूरा मामला जो है गढ़चिरौली महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के जारावंडी थाना के छिंद भट्टी के जंगल का है। छिंद भट्टी के जंगल में आज मुठभेड़ हुई जिसमें C-16 कमांडो और CRPF के जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन में निकले हुए थे। इसी दौरान घात लगाए नक्सलियों ने उन पर हमला कर दिया। जवानों ने जो है मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे जो दो जवान है वो घायल हो गए क्योंकि ये जो है छत्तीसगढ़ के कांकेर का लगा हुआ क्षेत्र है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली का, इसलिए जो है हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर जो है दो जवानों को अभी जो खबर मिल रही है रायपुर न ले जाकर इनको गढ़चिरौली के अस्पताल ले जाया जा रहा है ताकि जो है उनका समुचित इलाज किया जा सके। कई नक्सलियों के घायल होने की खबर है। जो जवान है उनको सिर्फ मामूली चोटें आई है, जिनको इलाज के लिए गढ़चिरौली ले जाया गया है। अभी भी जो है उस क्षेत्र में सर्च अभियान जारी है। कितने जवान अभी भी वहां पर हैं और कितने नक्सलियों के घायल होने की खबर है? नक्सली कितनी संख्या में, कोई ये जानकारी मिल पाई है अभी? देखिए भैया, क्योंकि मानसून का समय है, मानसून में एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाना जो है एक चुनौतीपूर्ण काम रहता है, लेकिन हमारे जवान लगातार इस मानसून में भी एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रहे हैं। जवान जो है वो गढ़चिरौली क्षेत्र से घुसे हुए थे क्योंकि ये जो है महाराष्ट्र पुलिस का जो है एंटी नक्सल ऑपरेशन था, तो वाजिब सी बात है कि भारी संख्या में फोर्स जो है इस एंटी नक्सल ऑपरेशन में शामिल था। अभी जो है आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि कितने जो है जवान घायल हैं, लेकिन भारी संख्या में जवान जो है नक्सली जो है घायल होने की खबर आ रही है और उस इलाके में सर्च अभियान जारी है। हो सकता है कि कई नक्सलियों के शव भी बरामद हो सके और नक्सली सामग्री भी बरामद हो सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के।